नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का ताजा सिलसिला। आजमगढ़ के महाराजगंज से खबर है, जहां स्थानीय थाना क्षेत्र के महेशपुर गांव में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय पंडित लक्ष्मीकांत मिश्र द्वारा स्थापित जूनियर बालिका विद्यालय पर उन्हीं के गांव के एक व्यक्ति द्वारा जबरन कब्जा करने तथा ताला तोड़कर अभिलेखों को गायब करने का विद्यालय प्रबंधक द्वारा आरोप लगाया गया है। पंडित ने अपने जीवन काल में क्षेत्र के शैक्षणिक विकास हेतु कई शिक्षण संस्थानों की स्थापना किया। उसी क्रम में वर्ष 1986 में जन सहयोग से अपने पैतृक गांव में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मारक जूनियर बालिका विद्यालय की स्थापना उनके द्वारा की गई, जो आज अस्थायी मान्यता प्राप्त है। विद्यालय पर उन्हीं के गांव के एक व्यक्ति ने रविवार को शिक्षक व कर्मचारियों की गैर मौजूदगी में विद्यालय का ताला तोड़कर कब्जा करने का प्रयास किया तथा विद्यालय के महत्वपूर्ण अभिलेखों को गायब कर दिया। जानकारी देते हुए विद्यालय प्रबंधक ओंकार मिश्रा ने बताया कि राजस्व अभिलेखों में विद्यालय के नाम से भूमि दर्ज है, जबकि आरोपी ने विद्यालय के बजाय पंडित जी को व्यक्तिगत रूप से पार्टी बनाकर न्यायालय में एक वाद दाखिल किया तथा उनकी मृत्यु उपरांत उनके पुत्रों को पार्टी बनाकर न्यायालय से डिग्री पारित करा ली गई। रविवार को विद्यालय स्टाफ की गैर मौजूदगी में बगैर किसी प्रशासनिक आदेश के विद्यालय का ताला तोड़कर कब्जा किए जाने का प्रयास किया गया तथा विद्यालय के अभिलेखों को गायब कर दिया गया। आरोपी द्वारा जिस भूमि पर मालिकाना हक बताया जा रहा है, वह विद्यालय के नाम से दर्ज है। उक्त प्रकरण की शिकायत मेरे द्वारा स्थानीय थाने पर की गई। इस संबंध में थाना प्रभारी ब्रह्मदीन पांडे ने कहा कि आरोपी के पक्ष में दीवानी न्यायालय का आदेश पारित हुआ है, जिसके आधार पर वह मालिकाना हक जता रहा है। आदेश का अध्ययन करने के पश्चात उचित निर्णय लिया जाएगा।